तरफ सरकार द्वारा नाइट कर्फ्यू लगाया गया और दूसरी तरफ माता के नवरात्रि शुरू हो चुके हैं, लेकिन कर्फ्यू के चलते रात के कार्यक्रमों पर पाबंदी लगा दी गई है। इसी को लेकर करनाल जागरण एसोसिएशन की ओर से जिला प्रशासन द्वारा नाइट कर्फ्यू लगाए जाने और रात को जागरण व अन्य कार्यक्रमों पर रोक लगाए जाने को लेकर रोष प्रकट किया गया। रोष प्रकट करते हुए एसोसिएशन के लोगों ने कहा कि प्रशासन द्वारा लगाई गई पाबंदी से वे लोग प्रभावित हुए हैं और इसी के विरोध में आज करनाल के लघु सचिवालय पहुंचकर इन्होंने अपना रोष व्यक्त किया है। वहीं उन्होंने जिला प्रशासन से जागरण के कार्यक्रमों में छूट देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जागरण पार्टी के साथ बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं जिनका घर जागरण की वजह से ही चलता है। उन्होंने कहा कि दिन के समय जागरण हो नहीं सकता, इसीलिए रात के समय जागरण पार्टियों का कार्यक्रम करने की इजाजत दी जाए। उन्होंने कहा कि यह धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ है। जो लोग नवरात्रि में अपने घरों में जागरण करवाना चाहते हैं वह करवा नहीं पा रहे हैं, इसीलिए सरकार से मांग की जा रही है कि पिछले वर्ष भी लॉकडाउन लगने की वजह से जागरण पार्टी को रोजी रोटी के लाले पड़ गए थे और इसी तरह से अब नाइट कर्फ्यू लगने के बाद भी यह वर्ग बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। इसीलिए सरकार से मांग की जाती है कि वह रात के कार्यक्रमों में ढिलाई बरते। इस मौके पर बड़ी संख्या में नाइट जागरण से जुड़े लोग मौजूद रहे। करनाल का मैं हरियाणा ही की बात करूंगा, हरियाणा की भी छोड़ो पूरे देश की बात करूंगा, जितने भी जागरण लाइन से जुड़े हुए सेवादार हैं वो जागरण में वो अपना अपना रोल करते हैं। कुछ जगाने वाले, कुछ बजाने वाले, कुछ झांके वाले, साउंड सिस्टम वाले, दरबार वाले, उन सब के ऊपर ये गाज गिरेगी नाइट कर्फ्यू लगने से। क्योंकि वैसे तो सरकार कहती है अभी हम काम नहीं दे सकते, तो हम तो काम कर रहे थे, हमारे को हमारा काम छीना जा रहा है, हमारे को हमारे काम करने का हक दे दिया जाए। सरकार वासी तो कहते हैं भी हम दान देंगे, सहयोग करेंगे। ये जागरण लाइन वाले कलाकार लोग जो हैं ये किसी लाइन में नहीं आते, किसी श्रेणी में नहीं जाएंगे। अगर कहे ना भी मजदूर की श्रेणी में आ जाएंगे या ए बी सी जो भी के सिस्टम होते होंगे, कलाकार जागरण लाइन के जो लोग हैं वो किसी श्रेणी में नहीं है। ना सरकार द्वारा इनको कोई सहायता या कोई मदद या राशि किसी प्रकार का सहयोग मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। एक हम लोग सिर्फ अपना मेहनत करके रात को जाग के गा के बजा के माँ खुद की बंदगी आराधना करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं और उस पर भी ये पाबंदी लगा दी गई है, तो मैं ये समझता हूँ कि सरकार इससे बढ़िया तो हमारे को काले पानी में भेज दे या हमें कोई ऐसा काम बता दे भी जो हम कर पाए, क्योंकि जगराते के अलावा हमारे को तो और कुछ करना नहीं आता। क्योंकि अपने आप में नवरात्र हैं और इन्हीं दिनों काम ज्यादा होता है। नवरात्रों में ये दिक्कत तो ये है ना, जिन लोगों ने तो महीने पहले बुकिंग करवा रखी है, ये नवरात्रों की ही बुकिंग तो थी हमारे पास और 7 दिन या 9 दिन के जगराते नवरात्र होती है, लेकिन जागरण का सीजन हमारा 15-15, 20-20 दिन का होता है। और ठीक नवरात्रों से पहले जो ये लगा दिया नाइट कर्फ्यू, ये हमारे पे कुठाराघात किया गया है और विशेष करके जो धार्मिक लोग हैं, जो आस्था वाले लोग हैं, जो परमपिता परमात्मा को भगवती को मानने वाले लोग हैं, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है और ये एक तरह से तानाशाही मानी जाएगी कि जागरण करने वालों को जागरण की करने नहीं दे रहे और जो करवाना चाहते हैं उनको कहते हैं भी दिन में करवा लो। जिसका नाम ही जगराता है, जगराता तो रात को ही होएगा ना, दिन में थोड़ी होता है। किससे मिलने आए और क्या? हम डीसी साहब से मिलने आए थे, डीसी साहब के ऑफिस से ये कहा गया कि जो जिला मजिस्ट्रेट है उनसे मिल लो, वो बताएंगे इसके बारे में। और जिला मजिस्ट्रेट ने बता दिया कि आज मेरे अपने घर में प्रोग्राम है, वो कह रहा है कि मैं भी अपने दिन में ही करवा रहा हूँ, 8 बजे से पहले पहले ख़त्म करवा दूंगा। उन्होंने अपनी मजबूरी हमारे को सुना दी, आप तो चल सरकार में हो या पावर में हो, आप इतना काम कर सकते हो या करवा लोगे, बाकी लोगों के पास इतनी पावर नहीं है, वो तो बेचारे परेशान है और जागरण करने वाले उससे ज़्यादा परेशान है। अब क्या कदम रहने वाला अगला आपका? कदम यही है कि या तो भूखा मरेंगे या फिर इनके दरबार पे जाके जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे, और क्या, यही रास्ता है। अगर सरकार जाग जाएगी तो बेहतर है, नहीं तो भैया पहले भी मरे थे और अभी मरेंगे और आगे भी मरना पड़ेगा, यही हल है, उसके अलावा और कोई हल नहीं। क्या नाम सर? मेरा नाम विजय मेहरा है और जागरण पार्टी एसोसिएशन के जो करनाल है उसका मैं मीडिया प्रभारी हूँ। धन्यवाद। हाल के अंदर या मंदिर के अंदर या सत्संग हाल के अंदर या घर के अंदर 50 या 100 बंदे की वहाँ, क्योंकि कईयों ने मन्नतें मान रखी हैं, हमारे पास बुकिंग है ऑलरेडी 1 महीना 1.5 महीना पहले बुकिंगें जो हैं वो हुई हुई हैं, तो उसके लिए हम ये चाहते हैं कि हमने वही राशि ले हमें अंदर जागरण करने की इजाजत दी जाए, ताकि जो हमारा जो पालन पोषण है इसी से हमारा घर का गुजारा चलता है। तो पीछे भी जो जागरण वालों के ऊपर
ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक